बाहरली दुनिया के विच्चों साडे मना विच पै होए ने कि भगत तन्ना जी ने किसी पत्थर पूजा के द्वारा परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, क्योंकि गुरमत का सिद्धांत सिमरन का सिद्धांत है। गुरप्रसाद गुरु की कृपा दे नाल परमात्मा की प्राप्ति का सिद्धांत है। एक रब का सिद्धांत है, तो एक रब जो सर्वव्यापक है, निरपौ निरवैर है, अजूनी सहभंग है, तो जेड़ा एक रूप दे विच नहीं है, उसकी सर्वव्यापकता जेड़ी है, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप दे रूप दे विच, अरबद नरबद तुंदूकारा दे रूप दे विच भी ओही है, प्रकाश रूप भी ओही है, अंधकार रूप भी ओही है। ते ऐसा ओ वाहिगुरु सतगुर की कृपा दे नाल मिलता है। इसलिए गुरु प्यारियो इस गल दे उत्ते मोहर लाउंदिया होया सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आसा राग दे अंदर जिथे पहला शब्द भगत धन्ना जी का है, उस तो बाद फिर ये शब्द जिहड़ा है पंचम गुरदेव ने अंकित किया। भगत धन्ना जी अपनी होनी बाबत दसते ने कि बड़ा चिर भटकते रहे, भटकद्या भटकद्या कई जन्म जड़े आ लंघ गए, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुबुद राता मन बिसरे प्रभ हीरे। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जाने आ, गुंते प्रीत बड़ी अनपंती जन्म मरन फिर ताने आ। आखते ने कि बहुत चिर हो गया भटकद्या नूं, तेरे तो विछड़े रह, मन संसार दे रसा कसा दे विच ही लिपटिया रहा, अपने पुराने संस्कारां दे गुण करके प्रभु परमात्मा दी थां दे उत्ते, करतार दी थां दे उत्ते संसार दी प्रीत ही बढ़ी रही। फिर जन्म मरण दा ताना जिहड़ा बाणा तणिया गया, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदै निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ऐसी अवस्था चो लंघदियां लंघदियां फिर गुरप्रसाद किवें मिलिया, फिर ज्ञान दा प्रकाश किवें होया, वह भी दसते ने कि जदों इंज पटकना दे विच्चों जुगां दे जुग जन्मां दे जन्म बीत गए, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल मीठ लगे बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख पर मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह तन दी है, ध्यान मान मन एक मै, फिर ज्ञान दा खजाना ज्ञान दा तन गुरु ने कृपा करके दिता, ज्ञान मंडल दे विच प्रवेश कीता, ज्ञान प्रवेश गुरह तन दिया नाम तन दिता, ध्यान मान मन एक मै। गुरु प्यारियो सिमरन करना होर चीज है, कोई चीज दा बार बार जाप करना होर चीज है, जाप सिमरन बन जाए उसकी याद दे विच गुआच जाइए, मन करके सिमरन करिए, सिमरन करना ना पवे, सिमरन सहज सुभाए हो जाए। ऐसा सिमरन जदों कीता गुरु की कृपा दे नाल गुरप्रसाद दे द्वारा, ज्ञान प्रवेश गुरह तन दिया ध्यान मान मन एक मै, प्रेम भगत मानी सुख जाने, प्रेमा भगती दा मार्ग मनिया तां उस सुख नूं अनुभव कीता है, जो सुख सतगुरु आनंद दे रूप दे विच वर्णन करदे ने, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया,
सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। ओही अवस्था जिहड़ी है भगत तन्ना जी कहिंदे कि मेरी आ गई ज्ञान प्रवेश गुरह तन दी आ ध्यान मान मन एक मै प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त कान है मुक्त पै। कोई भुख रही नहीं कोई प्यास रही नहीं तृष्णा ही मुक गई तृप्त कान है मुक्त पै। जोत समाए समानी जाकै पर किवें जोत समाए समानी जाकै जेड़े उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करद्या हो द्वै तो एक रूप हो गए उन्होंने नाल मिल के उस सतगुरु तो सत ज्ञान लैके जोत समाए समानी जाकै अछली प्रभ पहचान्या तन्नै तन पाया धरणी धर मिल जन संत समानिया। गुरु प्यारे भगत तन्ना जी तो आखते ने कि मैं उस संत नू मिल के उस संत सतगुरु नू मिल के उस प्रभु परमात्मा नू प्राप्त कीता जेड़ा उस दे नाल समान हो गया उस दे नाल एक रूप हो गया उस सतगुरु नू मिल के। गुरु प्यारे जीवन दे विच बहुत सारे पड़ा जग्यासू दे जीवन च आउंदे ने। धन गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक पातशाह गरीब नवाज दे लड़ लगन तो पहला आप जी देवी दे उपाशक सन लेकिन जदों सतगुर दे लड़ लगे तो जान लिया कि असल महादेव कौन है तो फिर गुरु दे होके रह गए। तीजे पातशाह गंगा दे इशनान नूं ही सब तो उत्तम धर्म मनते सन लेकिन जदों भाई जोत दे द्वारा कन्नां दे विच गुरबाणी पई तो फिर गुरु प्यारे हो गुरु दे शब्द दे खिचे जदों गुरु दे द्वार आए तो फिर पता लग गया कि अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। सतगुर ते ओ है जिथे सतगुरु चरण धर देंदे ने वो तीर्थ बन जाता है। भगत कबीर जी आखते ने कहो कबीर हों पया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास। हरिदा दास वड़ा है जिस दे विच ए समर्थ है कि जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सो थान पालिया लै धूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। गुरु प्यारे जिन्हां ने सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की पूजा की है उन्हां दी हरी पूजा कराउंदा है उन्हां दी हरी सत्कार कराउंदा है। भगत तन्ना जी दे बाबत स्पष्ट कर दिता है सतगुरां ने भी उन्होंने आप अपनी बाणी दे विच भी कह दिता कि प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त कान मुक्त पै जोत समाए समानी जाकै अछली प्रभ पहचान्या तन्नै तन पाया तरणी तर मिल जन संत समान्या। लेकिन नाल ही उस कहानी तो सतगुरु पातशाह गरीब नवाज ने कढ़ण वास्ते बाणी राही बख्शिश की कि गोबिंद गोबिंद जपद्या होया जिसनों समाज जात करके नीवा समझदा सी लखां दा हो गया वह भगत नामदेव। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीणा आड़ दम को शिपरा होयो लाखीणा। ते गुरु प्यारे हो इस तरह ही भगत रविदास जी की भगत कबीर जी की गल की है इन्होंने सिमरन दे द्वारा ही उस प्रभु परमात्मा नूं पाया सिमरन ही इन्हों का मार्ग है प्रेमा भगती ही मार्ग है। और गुरु प्यारे भगत सैन जी की गल की है ये भगत तन्ना जी तो वड्डे सन पहला होए तो सतगुरु पातशाह कहिंदे ने कि जदों
भगत तन्ना जी ने आख्या कि जेकर भाई भगत नामदेव शीपियां दे कर जन्म लैके सिमरन दे द्वारा प्रभु प्राप्त कर सकता है जां भगत कबीर जी कर सकते, भगत रविदास जी कर सकते, भगत सैन जी कर सकते ने, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बिद सुन के जट रहो उठ भगती लागा, पत्थर पूजा नहीं लगे, उठ भगती लागा मिले पर तक गुसाइया तन्ना वडपागा। गुरु प्यारियो, क्योंकि असी सिखी नू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी राही ग्रहण नहीं किया, असी बाहरी भटकते रहे।